झांसी के पूछ थाना क्षेत्र में प्रधान प्रतिनिधि पर गैंगस्टर एक्ट के अपराधी व उसके गुर्गों ने हमला कर दिया। हमला करते हुए प्रधान प्रतिनिधि को जमकर पीटा एवं असलाह तानकर फायरिंग कर दी। उक्त घटना में प्रधान प्रतिनिधि घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस थाने आने का हवाला देकर मौके से नदारद हो गई। मामला पूछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली का है, जहां आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि दिनेश गौशाला पर गायों के लिए भूसा डलवाने जा रहे थे। इसी दौरान लग्जरी कार में सवार होकर गैंगस्टर अपराधी अपने गुर्गों के साथ आया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। दिनेश अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा, तभी गैंगस्टर अपराधी ने दिनेश पर फायर झोंक दिया। हालांकि उक्त घटना में प्रधान प्रतिनिधि घायल हो गए। मौके पर पहुंची पूछ थाना पुलिस थाने आने का हवाला देते हुए मौके से नदारद हो गई। उक्त अपराधियों की गाड़ी भागते हुए पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस मौके से क्यों नदारद हो गई। हालांकि अधिकारी जांच का हवाला दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी, झांसी। ग्राम खिल्ली के, मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है, प्रधान प्रतिनिधि हम। अच्छा, यहाँ पे क्या मामला हो गया आपके साथ? मैं अपने घर से आ रहा था गौशाला में भूसा डलवाने के लिए। इतने में नीरेंद्र यादव और अमित यादव, शिवम यादव, तीन लोग आए। नीरेंद्र यादव गैंगस्टर अपराधी है, चूंकि रिवाल्वर लिया था। शिवम यादव 315 इकट्ठा लिए थे, उन्होंने रोका, इन दो हम गोली मार देंगे, और हमको पकड़ के मारने लगी। आप ही जान भाई, फायर कर दिया। फायर करने के बाद उन्होंने गाड़ी में खींच के बैठाने लगी। हम चिल्लाने, इतने हमारे साथ में हमारे परिवार के रहने वाले नंद भाई साहब, हमारा भतीजा आनंद यादव मौके पर आ गई और वो इतने गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। मैंने सूचना दी एसआई साहब को, एसआई साहब की गाड़ी भी आई, उनके एसआई साहब भी आए। मैंने 100 नंबर 12 डायल किया, 100 नंबर डायल पर पुलिस भी आई मौके पर। उन्होंने मौके पर घटनास्थल देखा, देखने के बाद जो हमें चोट लगी है वो दिखा रही है हाथ में। अच्छा, कोई इनसे पुरानी रंजिश वगैरह चल रही है क्या? प्रमाण करता है रंजिश, एक मानता है कि प्रधान मार देंगे तुमको, भाई को हम प्रधान बन जाएंगे या पैसा दो। अपराधी किस्म का आदमी है, डिमांड करता है पैसा मांगने के लिए। दो तीन बार मैं थाने दे चाहूँ, दो तीन साल से हमें प्रश्न कर रहा है 12 दिन आगे। कोई गुलशन नाम भी आ रहा है, वो क्या है? वो उनका मैटर, उनका गुलशन से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो नियम से मतलब है वो कि अपराधी है, वो हमारे गांव में आके यहीं पर रहने वाला है, वो कब्जा किया है स्कूल में, तो उसको रंजिश मानता है। इसका मुद्दा हाईकोर्ट में लगा हुआ है। तालाब पर स्कूल जो बना है, वही स्कूल बनाए हुए तालाब पर, तो मैंने उसको FIR कराई थी, क्योंकि उसमें कब्जा है तालाब पर उसका, तो क्या हटाएंगे नहीं। उसमें SDM साहब ने हटाने के बाद वो किया है, DM साहब ने कि हट जाएगा, तो उसी रंजन मांग के गया में जान से मार देंगे हमारे स्कूल के। क्या हम FIR होना चाहते हैं कि FIR हो, उसकी कार्रवाई हो उसकी। हम थाने जाएंगे।